दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp पर डिलीट किए गए मैसेज कैसे पढ़ें, या डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज को कैसे रीड करें या कर सकते हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सरल शब्दों में WhatsApp पर डिलीट किए गए मैसेज को कैसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं, यही सब बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। तो दोस्तों, व्हाट्सएप आजकल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है तथा आप और हम सभी स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप पक्का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हम व्हाट्सएप पर कोई व्यक्ति मैसेज करता है तथा हमारे द्वारा उस मैसेज को पढ़ने से पहले ही दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को क्या कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन फ्यूचर से डिलीट कर देता है। और आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने आखिर में आपको क्या भेजा। ऐसे में आप खुद है वो कंफ्यूजन हो जाते हैं या सोचने लगते हैं कि सामने वाले पर्सन ने ऐसा क्या भेजा है कि उसे डिलीट करना पड़ा, और सोच में पड़ जाते हो। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी ऐप बताने वाला हूं जिसे आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके आसानी से पता लगा सकते हो कि जो व्यक्ति आपको मैसेज सेंड कर रहा है उसने डिलीट फॉर एवरीवन फ्यूचर का यूज करके मैसेज डिलीट किया है, वो मैसेज भी अब आप है वो रीड कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको क्या भेजा था। तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आपको प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐप मिल जाएगी जिससे आप अपने व्हाट्सएप पे डिलीट किए हुए मैसेज देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ऐप बता रहा हूँ जो ट्रस्टेड है और आपकी सिक्योरिटी का भी बिल्कुल खतरा नहीं रहता है। हाँ, थोड़ी बहुत ऐड जरूर आते हैं उस ऐप पे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिंपली अपने प्ले स्टोर पर जाना है और जाके आपको वहाँ पे लिखना है RESTORY, रीस्टोर, ऊपर ही ऊपर आ गया। अब इसको आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉलेशन करना है। ज़्यादा नहीं है, 7.3 MB का है, बहुत जल्दी है वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लो, हो गया। अब इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में लेट्स गो करना है, अलाउ के ऑप्शन पे अलाउ कर देना है, और बहुत ही सिंपली यहाँ पे भी रीस्टोर पे भी अलाउ कर देना है। अब आप ऐप में जाके चेक करोगे तो ऐप में अलाउ हो गया। अब मैं अपने एक फ़ोन से यहाँ पे मैसेज सेंड करूँगा तो आप लोग देख लेना उस मैसेज को, फिर मैं डिलीट भी करने वाला हूँ और वो मुझे मैसेज है वो शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने अपने एक मैसेज फ़ोन से एक मैसेज किया, ये रहा, देखिए। अब मैं इस मैसेज को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या था, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी में हाई मैसेज है वो लिखा हुआ दिखाई दे। ऐसे भी आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से वो अपने फ़ोन के अंदर डिलीट किए हुए मैसेज है दोस्तों, वो चेक कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।